विश्व सबके साथ नमाज अदा करने की आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या महिलाओं को मस्जिद में सबके साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है या फिर नहीं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल पुणे के मुस्लिम दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में दंपति ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी मस्जिद में प्रवेश और प्रार्थना का अधिकार मिलना चाहिए। इस दौरान जस्टिस बोबडे ने ये भी कहा, जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाज़त जरूरी है, इसमें सरकार कहाँ से आ गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राज्य का अधिकार देने का कर्तव्य है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति संविधान के तहत दूसरे व्यक्ति से समानता का अधिकार मांग सकता है। मस्जिद या चर्च क्या स्टेट है और इस मामले में स्टेट कहाँ शामिल है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को सबरीमाला की वजह से सुन रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि हाजी अली दरगाह में क्या महिलाओं को प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन मक्का में क्या व्यवस्था है और दुनिया भर की मस्जिदों में क्या व्यवस्था है। क्या मंदिर और मस्जिद सरकार की है, इन्हें थर्ड पार्टी चलाती है। आपको बता दें कि सबरीमाला की तर्ज पर सबको लैंगिक अधिकार पर भी बराबरी का अधिकार देने की मांग की गई है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 15 और 29 का भी हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता दंपति ने इससे पहले कई मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश के लिए अपील की थी, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश से रोकना गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है और ये मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क देते हुए कहा कि पुरुषों की ही तरह महिलाओं को भी अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर नमाज पढ़ने का अधिकार है। इस वक्त उन मस्जिदों में तो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है जिनका प्रबंधन जमात इस्लामी के अधीन है, लेकिन सुन्नी मत के अन्य पंथों की मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जिन मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की इजाज़त है वहाँ भी उनके प्रवेश और निकास के लिए अलग दरवाजे हैं और इन मस्जिदों में उनके लिए अलग से नमाज पढ़ने की व्यवस्था होती है। इन मस्जिदों में भी पुरुषों के साथ नमाज की उनको अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। पवित्र शहर मक्का में भी महिलाओं और पुरुषों के बीच इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। याचिका में इस्लाम के मूल अधिकार यानी कुरान और हजरत मोहम्मद साहब के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने कभी मर्द औरत में फर्क नहीं रखा, बात सिर्फ श्रद्धा और ईमान की है। कुरान और हजरत ने कभी औरतों की मस्जिद में दाखिल होकर नमाज अदा करने की कभी खिलाफत नहीं की, लेकिन कुरान को आधार बनाकर इस्लाम की व्याख्या करने वालों ने औरतों से भेदभाव शुरू कर दिया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।